गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बात चल रही थी ना यही एडवर्ब क्लास में, तो एडवर्ब क्लास की सहायता से क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हमने कहा कि रूल कुछ आपको हम बताएंगे। तो रूल फर्स्ट आपका है रीजन। रीजन मीन्स क्या होता है, कारण। कारण जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको सेंटेंस दिया जाता है, तो उन वाक्यों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें पता लगाइए, फाइंड आउट कीजिए कि कहीं इसमें रीजन की बात तो नहीं आ रही है, कारण बताने की बात तो नहीं आ रही है। और जब कारण बताने की बात आ जाए तो रीजन के अंदर तक ले आइए। और इसमें जो कंजक्शन है उसका विकास का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया जाता है, विकास का। विकास क्या होता है, क्योंकि। विकास क्योंकि, और क्योंकि किससे क्या प्रकट होता है, कारण प्रकट होता है। देख लीजिए ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही इज इल। कारण बता रहा है, क्योंकि विद्यालय क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। तो दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किए, क्योंकि। क्योंकि का क्या हो गया, विकास। तो इससे क्या प्रकट हो रहा है, रीजन। तो जब रीजन प्रकट होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, विकास का। तो आप ऐसे लिख देंगे, ही कैन गो टू स्कूल because he is ill, क्योंकि वो क्या है, बीमार। समझ गया ना। तो जब कारण की बात आ गई, राम did not go there, राम did not go there, राम वहां नहीं गया। He was not present, वह उपस्थित नहीं था। तो आप क्या लिख देंगे, राम वहां क्यों नहीं गया, क्योंकि वह उपस्थित नहीं था। राम did not go there because he was not present। ओके, ऐसे ही आप क्या बनाओगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे। अब जरा देख लीजिए दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल आपका है प्लेस, स्थान। प्लेस, प्लेस इसका होता है स्थान। तो स्थान की सूचना देने के लिए वैर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग किया जाता है, मूल रूप से आप वैर का ही। अभी देखिए एक सेंटेंस हमने बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए,
कि दिस इज द प्लेस आई वाज बॉर्न हियर, दिस इज द प्लेस आई वाज बॉर्न हियर। तो आपने इसको क्या बनाया था, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। किसे आपने कनेक्ट किया, वेयर से। तो आप एक चीज सुन लीजिए, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी है, बना कि नहीं बना, दोनों नियमों से, एडजेक्टिव क्लास से भी और किस क्लास से, एडवर्ब क्लास से भी। इट मींस वेयर का प्रयोग एडजेक्टिव क्लास भी कर सकते हो और किस क्लास में, एडवर्ब क्लास में हो सकता है। तो चाहे एडजेक्टिव क्लास से बनाओ चाहे एडवर्ब क्लास से बनाओ, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, वेयर का प्रयोग किया जाएगा। अब जरा देख लीजिए तीसरा जो आपका है रूल था, उसमें क्या प्रदर्शित किया जाता है, टाइम। टाइम क्या होता है, समय। समय के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बिफोर, बिफोर आफ्टर टिल अंटिल, इन सब का प्रयोग किसमें किया जाता है, टाइम समय बताने के लिए। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, आफ्टर मीन्स बाद, टिल मीन्स तक, अंटिल तब तक, जब तक, समझ गए ना। तो ऐसे सेंटेंस जब आपको आएंगे तो आप बिफोर आफ्टर टिल अंटिल का प्रयोग करोगे। जरा देख लीजिए सेंटेंस आ जाए, डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के द पेशेंट हैड डाइड। इसको आप दोनों से बना सकते हो, बिफोर से भी और किससे, आफ्टर से भी, ठीक ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए, ऐसा आप बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करके बना सकते हो। जरा देख लीजिए दूसरे सेंटेंस को पहले करो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, बिफोर का, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हो चुका था, मर चुका था। और यूं सीधे लिख दो, डॉक्टर के आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, इसमें किसका प्रयोग हुआ, आफ्टर का। सेंटेंस बन करके आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। एडवर्ब क्लास में चौथा रूल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है चौथा, डिनोटिंग कंडीशन यहां पर कंडीशन में होता है शर्त लगाना, शर्त बताना, डिनोटिंग कंडीशन, समझ गए ना। शर्त इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इस कंजक्शन का, इफ का प्रयोग किया जाता है। और इफ मीन्स क्या होता है, बेटा इफ मीन्स होता है यदि। तो ये बताओ शर्त बता रहा है, यदि मीन्स क्या, शर्त बताना, अगर शर्त बताना। तो जब शर्त की बात आवे तो आप इसका प्रयोग करोगे सेंटेंस
ऑर्डर डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर यू विल फॉल इन डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर यू विल फॉल इन तो कह रहा है गंदा पानी मत पियो यू विल फॉल इन तुम बीमार पड़ जाओगे तो सत्व दे रहा है यदि तुम गंदा पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे और यदि गंदा पानी नहीं पियोगे तो बीमार पड़ने की संभावना नहीं है इसी को क्या कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस अब जरा देख लीजिए इफ लगाइए इफ यू ड्रिंक डर्टी वाटर यू विल फॉल इन इफ यू ड्रिंक डर्टी वाटर यू विल फॉल इन यदि तुम गंदा पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे इफ कंडीशनल सेंटेंस है इफ वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट डेफिनिट में इसका अनुवाद करते हैं इफ यू ड्रिंक डर्टी वाटर इफ के साथ जो सेंटेंस रहता है उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में किया जाता है और इफ के बाद वाले सेंटेंस को फ्यूचर डेफिनिट में किया जाता है समझ गए ना तो If you drink dirty water, लेकिन दोनों का अर्थ फ्यूचर में ही आएगा दोनों के अर्थ के अंत में गागी ये ही लगेगा If you drink dirty water, ये तुम गंदा पानी पियोगे you will fall ill, तो तुम क्या हो जाओगे बीमार पड़ जाओगे इसी को कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस इफ का प्रयोग करना पांचवा नियम देखिए इसका जो रूल फिफ्थ है माइनर है माइनर मीन्स होता है तरीका व्यवहार समझ गए ना बहुत कम सेंटेंस माइनर के मिलते हैं इसे कहा जाता है तरीका व्यवहार व्यवहार में क्या होता है एज सो का प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग एज सो का प्रयोग किया जाता है जरा सेंटेंस देखिए और इस सेंटेंस को रट लीजिए ये इंग्लिश में बोला भी जाता है जैसे You may sow anything. ये sow sow में होता है बोना बुआई ऐसा ना कुछ You may sow anything. You will cut the सेम पहले सेंटेंस समझिए क्या कह रहा है यू मे सो एनीथिंग आप कुछ भी बो सकते हैं कुछ भी बुआई कर सकते हैं यू विल कट द सेम लेकिन आप वही काटेंगे बोने को तो आप कुछ भी बो सकते हैं लेकिन जो आप बोए रहेंगे वही क्या करेंगे काटेंगे ये मैंने बताता है आप इस सेंटेंस को ऐसे आ जाइए एज यू सो एज का प्रयोग हो गया ना एज यू सो अब यहाँ पर किसका प्रयोग सो का प्रयोग और दृढ़ता प्रकट करने के लिए किसका सेल का एज यू सो सो सेल यू कट एज यू सो सेल यू कट जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे जैसा आप बोएंगे
वैसा ही गार्डन। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है एज यू सो सैड यू रीड रीड मीन्स क्या होता है काटना। एज यू सो सो सैड यू रीड जैसा आप बोलेंगे वैसा ही काटेंगे। तो एडवर्ब क्लास की सहायता से ऐसे ही सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जाता है। ये रूल 5 तक हुआ। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक ना? ओके।